आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। स्वराज सेवा दल की महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष पूजा नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक देहरादून में सचिव हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का पुतला दहन किया। स्वराज सेवा दल के मीडिया प्रभारी राजेंद्र पंत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लगातार हमारी मांगे हैं जिनको सरकार नजरअंदाज कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार अपनी सीमाएं लांघता जा रहा है, परंतु प्रशासन अपनी आंखें मूंदे बैठा है। वहीं उन्होंने क्या कुछ खास कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की मुजुबानी। रुड़की हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को हम कई बार नोटिस दे चुके हैं। इससे पहले जो मिश्र जी सचिव थे वहाँ के, हमने उनको अवैध निर्माण के लिए हमने धरना भी दिया था। विधानसभा घेराव के सत्र के टाइम पे भी हमने ये बातें बताई थी कि हरिद्वार में अवैध निर्माण चरम पर चल रहा है, लेकिन हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण इस प्रकार से भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गया है। जब मिश्र जी सचिव थे तो उनने उसकी तत्काल कार्रवाई करके और कनखल थाने में उसकी मतलब जांच के लिए भी भेज दिया था कि इसकी जांच की जाए, और वो बिल्डिंग अवैध जो निर्माण चल रहा था उनको सील भी किया गया। उसके बाद जब से चौहान साहब आए यहाँ पे, चौहान साहब सचिव आए और हमने कई एप्लीकेशन इनको दिए हैं, ITI से भी हमने मांगे हैं, इनको फ़ोन भी किया है, हमने वहाँ पर इनका घेराव भी किया था, DM साहब का घेराव भी किया था, लेकिन ये इनको पता नहीं कितना पैसा दे रहे हैं ये दलाल, जो होटलों के दलाल बैठे हैं जिनका होटलों में अवैध निर्माण चल रहा है, इनको अथाह पैसा दे रहे हैं। जिस पैसे से आज की डेट में क्या हो गया है, हम इनसे पूछते हैं कि साहब हमारे क्या कार्रवाई की आपने, अब तो यहाँ ये इस कदर भ्रष्टाचार में संलिप्त तो हो गया, अब ये फ़ोन भी नहीं उठाते। आप देखिए कि ये जब माफिया इतने हावी हो जाएंगे, रेजिडेंशियल जो एरिया हैं उन पे कॉमर्शियल काम करवा रहे हैं, होटल बनवा रहे हैं, वहाँ से जो सीवरेज का पानी जा रहा है माँ गंगा पे जा रहा है, एक तरफ से नमामि गंगा का कार्यक्रम चल रहा है, गंगा सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, एक तरफ से ये उस पर गंदे नालों का पानी डाल रहे हैं। आप देखिए, हमने उसके लिए इनको नोटिस दिया, ज्ञापन दिया, तो कार्रवाई के नाम पे नोटिस भेज दिया इन्हें। अब नोटिस कब तक चलेगा, हम इसलिए कहते हैं और हम अभी भी कह रहे हैं, आज से ये शुरू हो चुका है, अब ये रोज़ पुतला दहन होगा। अभी हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सचिव का पुतला फूका है आज, आगे जाकर के हम अगर नहीं सुधरे तो हम उसके उपाध्यक्ष का भी पुतला फूकेंगे और फिर आगे हम मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे। वैसे हमने 3 दिन का समय दिया है, अगर 3 दिन के अंदर ये होटलों की सीलिंग करते हैं, इन माफियाओं पर अवैध तरीके से इन होटलों का निर्माण करवा रहे हैं, इनको रोकते हैं, इन पर रोकथाम कराएंगे, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, नहीं तो 3 दिन के बाद फिर एक बड़ा आंदोलन होगा। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से अमित चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।